मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, इतने सारे लोग आए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और कितने लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया? बघा, ह्या कार्यक्रमाला जे लोक आले आहेत, आपलं कितकी पाडा धारकाडी जाणे हे कार्यक्रम जो केलं आहे, त्यांचं माझा गाव माझा आदर्श हा जो सब्जेक्ट आहे, ते सब्जेक्टमध्ये कुठे ना कुठे हे आपल्याला बघता येईल की माझा गाव असेल तर मीच काम करू शकतो किंवा मी त्यामध्ये जास्त मदत करीन. मी माझा नाही बोलतो, आपल्या गावातलं कोणतरी असेल तर तो चांगला कार्य करेल. आणि हा जो इलेक्शन येणार आहे, तो इलेक्शन कसं आहे की एक नगरसेवकचं इलेक्शन आहे. नगरसेवकचं इलेक्शन म्हणजे एक छोटासा सरपंच, गावातला सरपंच असतो तसं इलेक्शन आहे. तर ह्यामध्ये गावातला कोणतरी माणूस असला तर तो त्या गावातला मुद्दा काढू शकतो. बाकी जर बाहेरचं कोणतरी येतो, आणि आता 25 वर्ष गेलं, मला वाटतं 35 वर्ष झालं आहे, जे पण इलेक्शन होतं त्यामध्ये ह्या गावात ह्या वार्ड क्रमांक 3 मध्ये केतकीपाडा धारखाडी वैशालीनगर ज्ञानेश्वरनगर वागदेवीनगर शांतीनगर ह्या विभागातला माणूस येत नाही. कारण हे पार्टी प्रत्येक वेळी बाहेरचा उमेदवार देतात, त्यामुळे थोडंसं ते विषय पण राहून जातं. जर आता हे वार्ड विभागचा जो मुद्दा आहे, मला वाटतं आपला ह्या विभागातला कोणतरी चांगला नगरसेवक किंवा आमदार किंवा खासदार असतो तर हा मुद्दा त्यावेळी त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं असतं ज्यावेळी ह्या वन विभागाला ॲक्वायर केलं. परंतु काय झालं की आपल्या इकडच्या लोकांना कधी पार्टीने किंवा बाहेरच्या लोकांनी बनायला दिलं नाही, त्यामुळे हे सर्व प्रश्न मोठा उभा झाला. थँक्यू. ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमारी पीढ़ी के, आज मेरा 45 उम्र है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे गरीब के झग्गी झोपड़ियों का घर का प्रश्न. आज तक वो विषय नहीं निकला. लोग चुन के जाते हैं, हम मतदान देते हैं, हम पार्टी कार्य, हम किसी ना किसी पार्टी से समर्थित होते, उनको मदद करते हैं. लेकिन आज फॉरेस्ट की समस्या है बहुत बड़ी. आज भी बम्बई शहर में हम रहते हैं, इस बम्बई में शहर में रहते हुए भी हमारे घर में आज भी ऊपर पहाड़ियों पर रामनगर है, सावित्रीबाई फुले नगर, आज भी बिजली नहीं है, आज भी पानी नहीं है, आज भी महिलाओं पहाड़ पे टॉयलेट के लिए जाती है. तो ये इतनी बड़ी समस्या बम्बई में रहते हुए, तो गांव खेड़े गांव में भी अच्छे दिन आए उनका कहना है, वहाँ सुलभ शौचालय बन रहा है. लेकिन हमारे आज भी माँ बहन के लिए वो नहीं, वो होना चाहिए, हमारी मांग है. खुले में जाते हैं, खुले में जाते हम नहीं बना सकते, जा के भी नहीं बना सकते. हमारा कहना ऐसा है कि हमारी जो झोपड़पट्टी वन विभाग, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वन विभाग का, हमें हमारी बस्ती ऐसी है कि जहाँ खुद बोलते हैं कि हमको लाइट पानी नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन हमको यहाँ सूखी रोटी खा के भी हमको झोपड़े में रहने दो. कई आदिवासी है यहाँ पे ऐसे जो आज लगभग 50 साल से रहते, 60 साल से रहते, लेकिन आज तक उन लोगों के पास कोई पुरावा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. दूसरी बात, बाथरूम के लिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो कि घर घर बाथरूम बनाओ, हर जगह पे घर बाथरूम बनाओ, लेकिन अभी भी केतकीपाड़ा जैसे ऐसा इलाका है जो वन विभाग में, जहाँ चाह के भी प्रकाश पुजारी दादा हो चाहे कोई भी हो, सूर्य दादा भी चाह के भी बाथरूम नहीं बना सकते, और हमारे जो माँ बहन है उनको खुले में जाना पड़ता है. तो इसके लिए हमें, हम चाहते हैं कि मोदी जी से आह्वान करते हैं कि जो ये मुंबई की लगभग ये सबसे जूनी बस्ती है, शायद इससे जूनी बस्ती पूरे धारगाड़ी केतकीपाड़े में कोई नहीं है. हम लोग यहाँ 1964 से, हम लोग की ये 5वीं पीढ़ी है, और हमें आज तक मतलब ये जो फॉरेस्ट का जो मुद्दा है जो 15-20 साल से हुआ है, ये मुद्दा हमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाना है. मैं सब भाई, जितने भी हमारे जो आयोग के आयोजक भाई है, उनसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग सबको मिल के और ये मुद्दा दिल्ली तक प्रधान तक पहुँचाना चाहिए. वो किस तरह से पहुँचाना है वो उसके बारे में हम सोचेंगे. जो हमारे पुरावे 1964 से जो वन विभाग में नहीं था, उसको जो कि बाद में प्राइवेट फॉरेस्ट करके डाला गया, इसके बारे में हम सोचेंगे और सब मिलके पूरा गांव मिलके इसका हल निकालेंगे. हमें लाइट पानी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन सूखी रोटी खा के जीने दो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अपने वार्ड के बारे में कि आपका वार्ड वन विभाग का मसला है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं तक जो नगर सेवक या नगर सेविका आपके क्षेत्र में थी, जिनको पद दिया गया था, क्या ये बातें इशारा है कि उसने कोई काम नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशारा नहीं है. इसमें ऐसा है कि वन विभाग के अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते. आप चाह के भी उसमें बाथरूम नहीं बना सकते. आज भी हमारी माँ बहन एकदम खुले में जाती है, आदमी लोग सामने खड़े होकर देखते हैं, लेकिन उनको मजबूरी से जाना पड़ता है. तो हम, मैं ये प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसके बारे में सोचे, और ये वन विभाग जो सबसे जूनी झोपड़पट्टी है, इसको कैसे भी करके बाहर निकाला जाए और इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए. अगर मेरा कहना ये जो राम नाईक जी जो यहाँ से जीत के गए, जो यूपी के गवर्नर है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर गवर्नर हमारे एक बार मुड़ के अगर देख ले हमारे इस बस्ती को वापस से, तो जरूर हमारी बस्ती वन विभाग से बाहर जा सकती है. ओके मैम, सभी उम्मीदवार ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको प्रोत्साहित किया कि आप ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें? सर, हमारा कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद ये था कि केतकीपाड़ा धारखाड़ी जो एरिया है, यहाँ पर अभी तक इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग को लग नहीं रहा है कि हम लोग 2017 में हैं. हमको लगता है हम 1817 में हैं.
क्योंकि आज गांव-गांव में वाईफाई लग चुका है, लेकिन हमारी महिलाएं अभी भी पानी भर रही हैं। एक एक नल पर 20-20 लोग लंबर लगा के पानी भरते हैं। एक घंटा पानी छोड़ा जाता है, जिसमें एक महिला एक जगह से पानी उठा कर तकरीबन 600 से 500 मीटर एरिया तय करती है। जब तक उसका दूसरा नंबर आता है, पानी चला जाता है। सब जगह विकास है, विकास है, विकास है, लेकिन हमारे इधर कोई विकास नहीं है। साहब, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो धारकड़ी है, वन विभाग डाल चुके हैं,